सोचो कि तुम तुम्हारा फेवरेट गेम खेल रहे हो और अचानक से तुम उस गेम के अंदर चले जाओ और फिर तुम उस गेम के सबसे ओवर पावर्ड विलन बन जाओ तो तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी। वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर आइंस की। मैंने इसके पहले के एपिसोड पहले ही कवर कर दी है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसके साथ साथ यहाँ पे आई कार्ड में दे दिया है, तो अगर तुमने उनको नहीं देखा तो पहले तुम उन्हें देख लो, उसके बाद तुम ये वाला एपिसोड देख सकते हो। वेल, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मालूम पड़ता है कि आइंस ने सबको नोटिस भेजा होता है कि नाज़ारिक अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है और तो और उसके साथ साथ वो एम्पायर का एक दोस्त भी बन चुका है, तो उनके बीच में टाइज बहुत अच्छे हो गए हैं। और यहाँ एम्पायर से मेरा मतलब है द बहामूत एम्पायर। और उसके साथ साथ इरेंटल और उसके आसपास की सारी जगह अब आइंस ओल गून की है, तो ये जगह को उन्हें आइंस ओल गून को दे देना चाहिए और अगर उन्होंने देने से मना किया तो एक वॉर होगा। तो इस वाले एपिसोड में एक वॉर होने वाला है जो कि बहुत मस्त होने वाला है। उसके बाद कैसल में सारे लोग बोलते हैं कि ये आइंस ओल गून नाम का कौन है और मैंने कभी नाज़ारिक के बारे में सुना ही नहीं है। तो किंग को हमारा हीरो गाज़ेफ स्टर्नऑफ बोलता है कि ये आइंस ओल गून वही इंसान है जिसने उस विलेज को बचाया था और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमें ये इरेंटल जगह इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? अगर हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हमें इसे दे देना चाहिए आइंस ओल गून को, क्योंकि हमें उससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है। ये सुन के सारे लोग बोलते हैं कि यार किंग इतना कमजोर तो नहीं है कि वो ऐसा करेगा। तो किंग बोलता है कि ठीक है, हम लोग वॉर पे जाने वाले हैं। फिर उसके बाद सारे के सारे लोग गाज़ेफ की थोड़ी बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इतने कमजोर हैं कि हम लोग इनके सामने घुटने टेक देंगे? नहीं, हमें तो इनसे जीतना है और हम वॉर पे जाएंगे। ऐसा बोल के सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वॉर पे जाने वाले हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि येलो बाल वाला जो नोबल होता है वो अपने घर पे जाता है और अपने बच्चे से और अपनी वाइफ से मिलता है और वो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किंगडम का वॉर का प्रिपरेशन हो चुका होता है, वो लोग वहां पे स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी दो तीन नोबल बोलते हैं कि अगर ये आइंस ओल गून इतना बड़ा मैजिक कैस्टर है तो हमें थोड़ा दिमाग लगा के उसके सामने लड़ना पड़ेगा, उसके पास रेंज वाले अटैक्स बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि वो मैजिक कैस्ट करता है। तभी किंग अपने बड़े बेटे को बोलता है कि ये जो आइंस ओल गून है इसने कौन विलेज को बचाया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम कौन विलेज में जाओ और वहां पे जाके पूछताछ करो लोगों से। ये किंग इसीलिए ऐसा करता है ताकि वो अपने बेटे को इस वॉर से बचा सके। फिर उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो सारे के सारे लोग वहां से निकल लेते हैं, लेकिन किंग और गाज़ेफ वो लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे गाज़ेफ और किंग एक दूसरे से बात करते हैं तो किंग उससे कहता है कि सारे के सारे नोबल्स अभी बिछड़ चुके हैं, वो लोग के साथ में यूनिटी नहीं है, तो इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये वॉर कैसा जाएगा। वेल, मैं जानता हूं जब तक तुम मेरे साइड में हो तब तक तो हम जीत सकते हैं। और तभी यहाँ पे येलो बाल वाला नोबल आता है और वो गाज़ेफ की थोड़ी तारीफ करता है, तो गाज़ेफ उसकी बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और झुके उसे रिस्पेक्ट करता है। फिर उसके बाद गाज़ेफ बाहर निकलता है और सारे के सारे प्रिपरेशन देखता रहता है। तभी उसको दिख जाते हैं ब्रायन और हमारा हीरो, वो उनके पास जाता है, उनसे थोड़ी बातें करता है और फिर तभी ब्रायन उसको बोलता है कि ब्रायन की इच्छा ये है कि उसे इस वॉर में से बच के निकलना है और उसके साथ साथ लोगों को हराना भी है। वो कहता है कि हमें पता नहीं है कि इस वॉर के अंदर कैसे टाइप के मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। और तभी वो शेल्टियर ब्लड फॉरन के बारे में बातें करता है, वो कहता है कि एक ऐसी वैम्पायर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद गाज़ेफ हमारे हीरो और तो ब्रायन को लेके जाता है एक टावर के टॉप पे और वहां खड़ा होकर उनसे थोड़ी बातें करता है। वो कहता है कि ये स्पॉट बहुत अच्छा है और यहाँ से सीनरी भी बहुत अच्छी दिख रही है। वेल, जब ये वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग बार में जाएंगे और पार्टी करेंगे, ऐसे उनसे वो बातें करता रहता है। तो इस सीन से हमें ये मालूम पड़ता है कि गाज़ेफ असल में थोड़ा इमोशनल बंदा भी है, उसे पता है कि ये वॉर में बहुत कुछ खतरनाक चीजें हो सकती है, इसीलिए वो एक बार वॉर के पहले अपने जो क्लोज लोग हैं उनके साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता था और उससे क्लोज यही है ब्रायन और तो हमारा हीरो, और तो और गाज़ेफ उन दोनों को मोटिवेट भी करता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आइंस एम्पायर के अंदर आ चुका होता है और वो बैटल की तैयारी करता रहता है। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि आइंस के स्पेल के साथ ही साथ ये बैटल स्टार्ट होने वाला है। और उसी वक्त आइंस अपने पीछे एक पोर्टल वाला गेट खोलता है और हजारों डेथ नाइट वहां पे आ जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो बैटल होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किंग का बेटा कॉर्न विलेज के पास जाता रहता है और वो बोलता है कि मैं फटाफट इस विलेज को इन्वेस्टिगेट करूंगा और फटाक से जाके वॉर में पार्टिसिपेट करूंगा, मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। वेल, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, हमारा नेक्स्ट गोल है 75,000 सब्सक्राइबर्स और हम लोग उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो सब्सक्राइब कर दो यार। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि विलेज के अंदर सब लोग एनरी की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उसे चीफ चीफ बोल रहे होते हैं, लेकिन ये चीज उसे बहुत अनॉय करती रहती है क्योंकि उसे चीफ वर्ड सुनना बिल्कुल पसंद नहीं रहता है, तो यही सब कंप्लेन करती रहती है निफीरियर को। लेकिन तभी निफीरियर बोलता है कि तुम विलेज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। ये सब सुन के एनरी और निफीरियर कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए होते हैं और कुछ न कुछ तो होने वाला होता है, लेकिन तभी ही एक गॉब्लिन वहां पे आता है और उन्हें रोक देता है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लुप्सी आइंस को
कॉन्टेक्ट करती है और बोलती है कि कौन विलेज के सामने 5000 सोल्जर्स आ गए हैं और वो लोग इस विलेज के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो आप मुझे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइंस बोलता है कि अभी तो तुम सिर्फ रुको और ऑब्जर्व करो, और अगर कुछ खतरनाक चीज हुई तो तुम्हें पता है तुम्हें किन चार लोग को बचा के वहां से भागना है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि किंगडम के लोग कॉर्न विलेज के सामने जाके उनसे कहते हैं कि तुम लोग गेट खोलो और हमें अंदर आके इन्वेस्टिगेशन करने दो। तब तक एनरी उन लोग को रोक के रखती है, वो एक से एक बहाने बनाती है गेट नहीं खोलने के लिए। इस टाइम में गॉब्लिंस और ओक सब लोग छुप रहे होते हैं विलेज के अंदर, लेकिन ये सब देख के प्रिंस का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो एक अटैक लॉन्च करता है। ये अटैक देख के एनरी समझ जाती है कि अब ये इन लोग को रोक नहीं सकती है। तभी एनरी पीछे घूमती है और सबको बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इनसे लड़ेंगे तो उसका ये मतलब हो कि हम लोग आइन सामा को रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हीं ने हमारा विलेज को बचा के रखा था, तो मैं तो इनसे लड़ना चाहती हूँ, लेकिन अगर हम नहीं लड़ेंगे तो वो एक डिसरिस्पेक्टफुल वे में होगा ये बोलने के लिए कि हम लोग आइन सामा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आप लोग बताओ कि हमें क्या करना है। और ये सुनकर सारे के सारे विलेजर्स बोलते हैं कि हमें लड़ना है, अगर हम लड़ते लड़ते खत्म भी हो गए तो वो आइन सामा के लिए होगा, ये उसी इंसान के लिए होगा जिसने हमारी जान बचाई है, तो हम लड़ना चाहते हैं। उसके बाद गॉब्लिंस प्लान बनाते हैं कि सब लोग जो कि है बूढ़े लोग और तो और लड़कियां और बच्चे सब लोग पीछे के रास्ते से भाग जाएंगे और ये लोग सामने के रास्ते से एक कॉन्सेंट्रेटेड अटैक करेंगे, जिसकी वजह से सारे के सारे आर्मी के लोगों को सामने आना पड़ेगा। ऐसा सोच के वो लोग उनका प्लानिंग एक्सिक्यूट करने वाले होते हैं, और तभी ही कॉर्न विलेज वाले लोग गेट खोल देते हैं और उसमें से निकलते हैं 4-5 ओक्स जो कि बाहर निकल के सब लोग को मारने लगते हैं, और तब तक पीछे के रास्ते सब लोग भाग रहे होते हैं। वो लोग पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते रहते हैं कि तभी ही एम्पायर के लोग पीछे के रास्ते पे भी आ जाते हैं, तो निफिरियर बोलता है कि मैं इनको रोकूंगा, तब तक तुम निकलो यहां से। ये सब देख के एनरी को फ्लैशबैक आता है उसके पुराने वाले विलेज का, और तभी एनरी का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो क्या करती है, वो अपने हॉर्न को लेती है और वापस से एक बार ब्लो करती है उस हॉर्न को। और अब जो होता है वो होता है सबसे एपिक चीज। इस हॉर्न की एबिलिटी है कि वो सिर्फ एक बार गॉब्लिंस को समन कर सकता है, लेकिन ये हॉर्न दूसरी बार भी गॉब्लिंस को समन करता है, और इस बार कोई नॉर्मल गॉब्लिंस नहीं आते हैं, इस बार आते हैं एलीट गॉब्लिंस, और ये गॉब्लिंस इतने खतरनाक होते हैं कि मैं क्या बताऊं। और ये चीज देख के आइंस खुद शॉक हो जाता है, वो बोलता है ये कैसे हो गया, इस हॉर्न की एबिलिटी है कि सिर्फ वो एक ही बार समन कर सकता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टाइम कैसे समन किया, ये बात आइंस को भी नहीं समझ में आती है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे जो ओरिजिनल गॉब्लिंस होते हैं वो लोग लड़ रहे होते हैं इन सबसे, और वो लोग बुरी तरह से हार भी रहे होते हैं, और उसी वक्त एनरी का हॉर्न ब्लो होता है और आ जाते हैं एलीट सोल्जर गॉब्लिंस। तो इनको देख के हमारे पुराने वाले गॉब्लिंस भाग जाते हैं पीछे रीइंफोर्समेंट की तरफ, और तभी वो देखते हैं कि इन गॉब्लिंस के बीच में होता है द एलीट स्ट्रेटजिस्ट। ये बोलता है कि मेरे कमांड के अंदर एक भी इंसान नहीं मरेगा हमारा, और सामने वाले एनिमीज खत्म होने वाले हैं। ये देख के आर्मी के लोग वापस से अटैक करने जाते हैं हमारे गॉब्लिंस के ऊपर, लेकिन इनके ट्रूप में बहुत सारे टाइप के गॉब्लिंस होते हैं। एक होते हैं फुट गॉब्लिन, एक होते हैं गॉब्लिन राइडर्स, एक होते हैं द रेड हेड असैसिन गॉब्लिन, बहुत सारे टाइप के गॉब्लिंस होते हैं यहाँ पे, और सारे के सारे गॉब्लिंस आगे की तरफ जाते हैं और अटैक करते हैं इन सबको। यहाँ पे तो इतने सारे टाइप के गॉब्लिंस होते हैं कि आप लोग देख देख के थक जाओगे। इसमें होते हैं मैजिशियन गॉब्लिंस, सॉर्सरर गॉब्लिंस और बहुत सारे टाइप के गॉब्लिंस, और ये सारे के सारे गॉब्लिंस एक एक अटैक में आर्मी के लोगों को खत्म कर रहे होते हैं, और ये देख के तो बेचारा प्रिंस खुद डर जाता है। तो फिर प्रिंस क्या करता है, वो अपने कुछ लोगों को लेके वहां से भाग जाता है, रिट्रीट करता है, और रात के टाइम पे वो एक जगह पे बैठ के थोड़ी सांसें लेता रहता है और बोलता है ये क्या हो गया, इतने सारे गॉब्लिंस कहां से आ गए। और तभी वहां पे आती है लुप्सी। लुप्सी वहां पे आने के बाद इनके साथ थोड़ा मजाक करती है और बोलती है कि अरे उन लोगों ने इतने सारे गॉब्लिंस समन कर दिया, जो कि चीटिंग था, है ना। और लुप्सी बोलती है कि मैं यहां पे आई हूं तुम्हें खत्म करने के लिए। ऐसा बोल के लुप्सी थोड़े से रेड हेड गॉब्लिंस को वहां पे लेके आती है और बोलती है कि ये लोग आइन सामा के लॉयल गॉब्लिंस है, तो ये तुम्हें खत्म कर देंगे, और ये लोग उन्हें खत्म कर देते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एम्पायर का किंग बैठा हुआ रहता है और वो बोलता है हमारा वॉर अब शुरू होने वाला है। वेल, मुझे बिल्कुल भी हैरानियत नहीं होगी अगर आइंस अपने सबसे पावरफुल अटैक से 5000 सोल्जर्स को भी खत्म कर दे, क्योंकि वो इतना पावरफुल है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बैटलफील्ड पे सब लोग खड़े रहते हैं, तो जो किंगडम वाले लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि सामने एम्पायर के पास सिर्फ 60,000 सोल्जर्स है और हमारे पास है 2,40,000 सोल्जर्स, तो हम लोग के पास 4 गुना ज्यादा सोल्जर्स है, तो हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता है कि एम्पायर के पास सिर्फ 60,000 सोल्जर्स नहीं होते हैं, उनके पास होता है लॉर्ड आइंस। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि गाजिफ अपने सबसे पावरफुल आर्मर में होता है और उसके पास उसका लेजेंडरी वेपन भी होता है। वो बोलता है कि पिछली बार अगर ये अटैक हुआ था तो सामने वाले लोगों ने हम पे तुरंत अटैक किया था, लेकिन इस बार वो लोग सिर्फ खड़े हैं वहां पे। इसका क्या मतलब है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आइंस सामा कुछ तो सोच रहे हैं। फिर उसके बाद गाजिफ के बगल में जो येलो बाल वाला नोबल खड़ा रहता है वो बोलता है कि मैं जानता हूं कि किंग ने अपने बेटे को इतना दूर क्यों भेजा, क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा जिंदा रहे और ये वॉर में आके न खत्म हो जाए। वेल, इसी तरह मेरा भी बेटा है और मैं नहीं चाहता कि उसकी भी कुछ ऐसी हालत हो। वो लोग ऐसे बातें करते ही रहते कि तभी हमें दिखाते हैं कि सामने से गेट खुल जाता है और वहां से सारे के सारे डेथ नाइट बाहर आते हैं और उनके बीच में होता है आइंस। डेथ नाइट और आइंस की एंट्रेंस की वजह से इनके खुद के शोल्डर्स कांपने लगते हैं।
और जैसे ही आइंस बाहर आता है तो वो अपना सुपर टीयर का मैजिक को चार्ज अप करता है और ये देख के सब लोग डर जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते हैं। तो येलो बाल वाला नोबल गाजेफ को बोलता है कि हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए, यही हमारे सबसे बेस्ट होगा। ऐसा बोल के वो भाग के जाता है अपने ट्रूप के पास और गाजेफ भी बोलता है कि हां हम रिट्रीट करने वाले हैं। लेकिन तब तक आइंस अपने मैजिक को ऑलमोस्ट चार्ज अप कर लिया होता है। वो कहता है कि मुझे कोई भी रोक नहीं रहा है, इसका ये मतलब है कि सामने वाले आर्मी में मेरे गेम वाला कोई भी बंदा नहीं है, क्योंकि वो अगर होता तो मुझे तुरंत रोकने के लिए आ गया होता। वेल कोई बात नहीं, ऐसा बोल के वो अपना मैजिक छोड़ता है और वो जैसे ही उसका मैजिक छोड़ता है तो एक बड़ा सा ब्लैक कलर का क्लाउड जाता है दूर में और वहां पे वो 70,000 सोल्जर्स को खत्म कर देता है एक सिंगल अटैक से। और ये देख के किंगडम का बंदा एकदम टेंशन में आ जाता है। वो कहता है कि आइंसामा आपके पास इतना पावर है कि आपने एक सिंगल अटैक से 70,000 सोल्जर्स को खत्म कर दिया। तो ये सुन के आइंस हंसने लगता है, बोलता है कि तुम मेरे पावर को प्रेस कर रहे हो। वेल ये जो मैंने चीज किया है ये तो मेरा स्पेल है भी नहीं, ये तो सिर्फ मेरे स्पेल को स्टार्टअप करने का पार्ट है, अभी एक्चुअल स्पेल आने वाला है। और जैसे ही आइंस ये बोलता है वैसे ही हमें दिखाते हैं कि आसमान में 5 ब्लैक कलर के गोले आ जाते हैं और वो गोले जमीन पे गिर के सारे डेड कॉर्प्स को एक ब्लैक कलर के मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे 5 ब्लैक मॉन्स्टर्स कन्वर्ट होते हैं जिनका नाम होता है बेबी गोट्स और ये बहुत खतरनाक सीन होता है। आइंस बोलता है ये है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैंने सिंगल अटैक में 5 बेबी गोट्स को समन किया है। उसके बाद आइंस इन 5 गोट्स को ऑर्डर देता है कि जाओ और सबको खत्म कर दो, लेकिन तुम्हें सिर्फ 4 लोग को नहीं मारना है जो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वो इसकी बात करता है गाजेफ की, ब्रायन की, हमारे हीरो की और तो और किंग की। तो उसके बाद सारे के सारे गोट्स आर्मी में घुसते हैं और सबको मारने लगते हैं। इसको देख के कुछ कुछ सोल्जर्स गोट को अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग डर के भागने लगते हैं। वेल इसके बाद आइंस अपना मास्क निकालता है, अपने हाथ को आगे करता है और बोलता है मुझे प्रेस करो, मैं हूं सबसे सुप्रीम, तालियां बजाओ मेरे लिए। और सब लोग आइंस के लिए तालियां बजाने लगते हैं। उतने में एक गोट भाग भाग के आइंस की तरफ आता है, ये देख के आइंस के खुद के लोग वहां से भाग जाते हैं और फिर आइंस उस गोट के ऊपर बैठ के अपने रास्ते पे निकलने लगता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ सोल्जर्स किंग के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि सर हमें यहां से भाग के निकलना पड़ेगा, ये बैटल खत्म हो चुका है, हम लोग हारने वाले हैं। तभी ब्रायन और तो हमारा हीरो वहां पे आता है और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जाएंगे और गाजेफ के साथ खड़े रहेंगे आपको डिफेंड करने में। तो एक सोल्जर किंग को अपने पीठ पे बैठाता है और वहां से भाग के निकल लेता है। मीनवाइल गाजेफ एक गोट के अगेंस्ट खड़ा रहता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो गोट गाजेफ को इग्नोर करके निकल जाती है क्योंकि आइंस ने उसको बोला होता है कि गोट तुमको गाजेफ को नहीं मारना है। लेकिन गाजेफ उस गोट के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करता रहता है और उस गोट को कुछ नहीं होता है। तो वो गोट अपना एक विप मार के गाजेफ को दूर फेंक देता है। उसके ठीक बाद गाजेफ देखता है कि वो गोट के ऊपर बैठा होता है आइंस और उसको देख के गाजेफ बोलता है कि तो अच्छा तुम एक इंसान हो ही नहीं। वेल ये सारी चीजों को क्लियर कर देता है। उसके बाद गाजेफ के बगल में हीरो और तो और ब्रायन भी आ जाते हैं और वो लोग खड़े हो जाते हैं गोट के अगेंस्ट। तभी आइंस हंसते हंसते नीचे उतर के आता है और गाजेफ से बात करता है। तो गाजेफ आइंस से बोलता है कि तुम बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो आइंस बोलता है कि मैं चाहता हूं गाजेफ कि तुम मेरे टीम को ज्वाइन कर लो, तुम मेरे लिए बहुत रेयर हो। और बोल और आइंस बोलता है कि मैं तुम्हें ये ग्रांट करूंगा। ऐसा बोल के वो एक चुटकी बजाता है और सारे के सारे गोट्स रुक जाते हैं। आइंस उससे बोलता है अगर तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सब लोग को यहां से लेके गायब हो जाऊंगा, और अगर तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है तो मैं मेरे गोट्स को बोलूंगा कि वो पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। तो तभी गाजेफ आइंस को बोलता है कि नहीं मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं किंग को लॉयल हूं और मैं आपको चैलेंज करता हूं एक ड्यूल के लिए। तो तभी आइंस अपने गोट से एक अटैक करवाता है गाजेफ के बगल में और बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम तो इस गोट के अटैक को देख भी नहीं पाए और डॉज करना तो बहुत दूर की बात है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे एक ड्यूल कर सकते हो। तो गाजेफ बोलता है कि हां मुझे आपसे ड्यूल करना है और मैं ये चाहता हूं कि आप इस ड्यूल के बाद मेरे इन दोनों साथियों को छोड़ देंगे। तो आइंस बोलता है ठीक है हम ये ड्यूल करने वाले हैं। तो फिर ब्रायन बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ लड़ना है इसके अगेंस्ट, लेकिन गाजेफ उसको रोक देता है। उसके बाद गाजेफ बोलता है कि मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को मेरा ये ड्यूल देखने दो और तो और इस ड्यूल को सिर्फ मेरे साथ लड़ो और इन दोनों को छोड़ दो। तो आइंस बोलता है ठीक है मुझे ये चलेगा। उसके बाद आइंस गाजेफ से बोलता है कि मैं ये ड्यूल के बाद तुम्हारे बॉडी को एकदम परफेक्ट कंडीशन में रखूंगा ताकि उसके ऊपर रेजुरेक्शन स्पेल यूज हो सके। तो गाजेफ बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे बॉडी को परफेक्ट कंडीशन में रखो और उसको रेजुरेक्ट करो, अगर मैं यहां खत्म हो जाता हूं तो खत्म हो जाता हूं, मुझे वापस रेजुरेक्ट मत करना। तो फिर उसके बाद आइंस गाजेफ को बोलता है कि गाजेफ क्या मैं तुम्हारा स्वॉर्ड एक बार देख सकता हूं। तो गाजेफ जाके अपना स्वॉर्ड आइंस को देता है। तो आइंस वो स्वॉर्ड को लेता है, उसके ऊपर अपना मैजिक यूज करता है और समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है। आइंस उसको बोलता है कि जो स्वॉर्ड के अंदर पावर है वो इस डैगर की जैसी पावर है, ये डैगर मेरे बॉडी को स्क्रैच भी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर तुमने इसे परफेक्टली यूज कर लिया तो तुम मुझे स्पेशल कंडीशन में घायल कर सकते हो और तो और उसके साथ ही साथ खत्म भी कर सकते हो अगर तुमने इसे एकदम परफेक्टली यूज किया है। तो इसका ये मतलब
मतलब है कि ये ड्यूल एकदम इक्वल लेवल पे होने वाला है। उसके बाद आइंस हमारे हीरो को बोलता है कि तुम हमारे बैटल को स्टार्ट करोगे, सिग्नल दो उसका। तो हमारा हीरो थोड़े से बेल अपने जेब से निकालता है और उस घंटी को बजा के सिग्नल देने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे ही वो घंटी बजाता है तभी आइंस पूरा का पूरे वर्ल्ड का टाइम रोक देता है और बोलता है कि गाज़ेफ, ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट था कि तुमने तुम्हारे ऊपर कोई भी टाइम रिलेटेड स्पेल को डिस्पेल करने वाली एबिलिटी नहीं यूज की थी। वेल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बैटल इस तरह से नहीं एंड करना था, लेकिन यही सबसे बेस्ट तरीका होगा। ऐसा बोल के आइंस गाज़ेफ के पास जाता है, उसके मुंह पे अपना हाथ रखता है और यूज करता है डिले मैजिक ट्रू डेथ। ये करने के बाद वो टाइम को वापस स्टार्ट करता है और गाज़ेफ वहीं पे खत्म हो गया होता है। तो ब्रायन और हमारा हीरो पागल हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे हुआ क्या, हमने तो कुछ देखा ही नहीं और गाज़ेफ कैसे खत्म हो गया। ऐसा बोल के वो लोग भाग के जाते हैं गाज़ेफ के पास और देखते हैं कि वो खत्म हो चुका है। उसके बाद आइंस ब्रायन को बोलता है कि गाज़ेफ के डेथ के ऑनर में मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे किंगडम ने सरेंडर कर दिया और मुझे इरेंटल अगले कुछ दिनों में दे दिया तो मैं मेरा अटैक रोक दूंगा और उसके साथ साथ मैं तुम दोनों की जान भी बख्श रहा हूँ। वेल, ऐसा बोल के आइंस वहां से निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बहमूत का किंग एकदम पागल हो जाता है ये जान के कि आइंस ने एक सिंगल अटैक में 70,000 सोल्जर्स को खत्म कर दिया। वो कहता है कि हम तो इससे कभी नहीं लड़ सकते हैं, ये बंदा अगले ही लेवल पे है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे मेन किंगडम का किंग एकदम उदास रहता है क्योंकि उसे शॉक लगता है कि गाज़ेफ टर्न ऑफ खत्म हो चुका है। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इरेंटल सिटी देने वाले हैं आइंस को ताकि ये मैसेकर रुक जाए। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि ब्रायन और तो हमारा हीरो दोनों ही एकदम उदास रहते हैं और वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं अपने अटैक्स का ताकि वो लोग और पावरफुल बन सके। तभी ब्रायन बोलता है कि अभी मैं इतना पावरफुल बनने वाला हूं कि मैं वापस से गाज़ेफ से इन फ्यूचर हेवन में लड़ूं और उसे हरा दूं। गाज़ेफ, तुमने मुझे पिछली बार हराया था लेकिन मैं तुम्हें कभी हरा नहीं पाया। ऐसा बोल के वो लोग आपस में बातें करते रहते हैं। तभी हमारा हीरो और ब्रायन दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे बाहर और ड्रिंक करेंगे गाज़ेफ के ऑनर में। फिर हमें अगले सीन में दिखाता है किंग ने इरेंटल को दे दिया गया रहता है आइंस के पास और तो वो उदास बैठा रहता है। मीनवाइल प्रिंसेस फूल निकाल रही होती है और वो हमारे हीरो को फूल देती है और बोलती है कि जिन भी लोगों की डेथ हो चुकी है इस वॉर में, तुम उन सबके घर पे एक एक फूल प्लीज पहुंचा दो। ऐसे ही सब लोग वॉर खत्म होने के बाद दुख मना रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि इरेंटल सिटी के बीचों बीच आइंस की आर्मी जा रही होती है। उसमें होते हैं बहुत सारे अनडेड नाइट्स, डेथ नाइट्स और तो और अल्बेडो भी होती है। और अभी एक बच्चा वहां पे आता है और वो आइंस के रथ के ऊपर एक पत्थर मार के बोलता है कि मुझे मेरे पापा को वापस से दे दो। ये देख के अल्बेडो वहां पे आती है गुस्से में और वो बच्चे के ऊपर अटैक करने वाली होती है। बोलती है कि तुमने आइंस सामा के ऊपर पत्थर मार के उन्हें डिसरिस्पेक्ट कैसे किया। लेकिन तभी मोमोन की एंट्री होती है वहां पे। मोमोन अपने स्वॉर्ड को फेंकता है और वहां पहुंच जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक सीन में आइंस और मोमोन दोनों साथ में कैसे हैं। वेल, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो बंदा आइंस बन के बैठा है वो असल में आइंस है ही नहीं, आप लोग को सीजन 1 में बताया था। और तभी मोमोन वहां पे आता है और वो अल्बेडो को अटैक करता है। वो बोलता है कि तुम इस सिटी के किसी भी इंसान के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा यहां पे। तो अल्बेडो और मोमोन दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन तभी पेंडोरस एक्टर जो कि आइंस के रूप में होता है वो वहां पे आता है और अल्बेडो को रोक देता है। तो तभी अल्बेडो मोमोन को बोलती है कि मैं चाहती हूं कि तुम आइंस के लिए काम करो और इसके रिटर्न में हम लोग किसी भी इंसान को नहीं मारेंगे। मैं बस ये चाहती हूं कि तुम सबको ये कहो कि वो आइंस का रिस्पेक्ट करे और जो भी डिसरिस्पेक्ट करेगा आइंस को उसे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। तो पहले तो मोमोन इस चीज को निग्लेक्ट कर देता है लेकिन उसके बाद बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऑफर को लेता हूं लेकिन अगर तुमने किसी भी इंसान को इस विलेज में छूने की कोशिश की तो मैं आऊंगा तुम्हारे और तुम्हारे आइंस के सर के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डेम्यूर्ज और तो और अल्बेडो दोनों ही बात करते करते अपने किंगडम में चल रहे होते हैं। तभी अल्बेडो बोलती है कि आइंस सामा के पास तो बहुत दिमाग है और डेम्यूर्ज भी बोलता है कि ये बात तो तुमने सही कही, अभी आइंस और तो और मोमोन दोनों ही को एग्जिस्ट कर सकते हैं और दोनों के दोनों हमारे लिए ही काम करेंगे, ऐसा सबको लगेगा। और फिर उसके बाद सब लोग आइंस के पास जाते हैं और अपना सर झुका के उन्हें ग्रेड बोलते हैं और इसी के साथ आइंस उनको बोलता है कि थैंक यू, तुम लोग मेरे इतने लॉयल सबॉर्डिनेट्स हो और मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूं और रिस्पेक्ट करता हूं। वेल, इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। तो सब्सक्राइब करो ताकि मैं फोर्थ सीजन को फटाफट कवर कर सकूं चैनल पे। और तो और अगर आपको वीडियो मजा आया तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और तो और कमेंट करके मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वेल, आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।